हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश, स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2024 देने वाले हैं तो कुछ बातें हैं आप लोग सुनिए, या सीएचएसएल मेंस देने वाले हैं तभी भी आप लोग सुनिए। देखिए, ये हमारी यकीन सीरीज चलेगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन लाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मेंस देने वाले हैं तो मेंस में आपको देखिए समय कम है, आपको क्या करना चाहिए तो आपको भी थोड़ा टाइम बचाना चाहिए। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 या कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन लेंगे, और वही क्वेश्चन लेंगे जो एसएससी द्वारा सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। और ये मॉडरेट, देखिए मैं इसमें जो क्वेश्चन करवाऊंगा ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होगा, जो आप लोगों को किसी भी चैनल पे मिलने वाला नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन रखूंगा, जिससे कि अगर आप लोग पेपर आने वाले दिनों में अगर आप लोग पेपर देंगे तो यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम जो है एग्जाम तो TCS ही कंडक्ट करवाएगी। TCS में क्या है, देखिए 80-90% आपको क्या दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो 10% जो बचता है, 10% में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा या 25 क्वेश्चन तो सोचिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन इजी टाइप के होंगे जो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप लोग टाइम बचा सकते हैं तो वही मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सेशन स्टार्ट किया जाए। देखिए ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अब कब पूछा गया है तो ये 2022 में पूछा गया है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या पूछा गया, देखिए बहुलक हमें ज्ञात करना है। अब बहुलक क्या होता है, अब बहुलक वो चीज़ होती है जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे अधिक बार आती है, वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है, यानी इस वाले पार्ट की, यानी बारंबारता क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए मोड पूछा गया, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस सवाल का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होता है तो आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या दे दिया गया है, 11 दे दिया गया है। अब आप लोग देखिए, अब जो आंसर आपका आएगा 25 और 30 के बीच में आएगा, 25 और 30 के बीच में आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पे एक बार नजर मारिए, देखिए पहला ऑप्शन तो इसके रेंज से बाहर हो गया है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है जो 25 और 30 के बीच में है, तो इस सवाल का राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को, बस आपको इतना टाइम देना था, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर आप लोग इस सवाल को लगाना चाहते हैं तो ये फार्मूला होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए मैं फार्मूला दिखा देता हूँ और ये लिख लीजिए। देखिए ये सीजीएल मेंस 2022 में भी और 2023 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जाहिर बात है अगर 23 में अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं तो क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये चीज़ अगर आप लोग याद रखेंगे तो इस सवाल को आसानी वे में लगाया जा सकता है। देखिए मोड बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए यल प्लस क्या हो जाएगा, तो यफ वन माइनस यफ जीरो बटा में क्या आ जाएगा, यफ वन माइनस यफ जीरो प्लस यफ वन माइनस यफ टू इंटू हाई, यच क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले यल के बारे में सुन लीजिए। देखिए यल हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा बोल सकते हैं ना। अब देखिए यफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जिसको बोल सकते हैं ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी बहुलक ये बारंबारता हो जाएगी। अब यफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब ये क्या हो जाएगा, पिछले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। उसी प्रकार यफ टू हमारा क्या हो जाएगा, अगले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। यहाँ पे यच क्या है, आपका हाइट है, तो यच हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। और मैं आपको इस तरीके को अपना, अगर आप लोग ये अप्रोच लगाएंगे तो इस सवाल को आसानी में लगा सकते हैं। अब देखिए आपको एग्जाम हॉल में ये पूरा फार्मूला लिखना नहीं है, अब आपको क्या करना है, जो डाटा दिया रहेगा सोचिए ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि यही सबसे अधिक बार आ गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ वन हो जाएगा, जस्ट इसके पहले वाला क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग अगर इस टाइप से समझ लेंगे तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इसके पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एफ जीरो बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एफ जीरो आ जाएगा। और जस्ट इसके आगे वाले को मैं बता दिया हूं, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, यफ टू बोल सकते हैं। अब आप लोग देखिए यहां से यल बराबर क्या हो जाएगा, तो यल यानी निम्न सीमा हमारी क्या हो जाएगी, यल का मान हमारा क्या आ जाएगा, यल बराबर क्या आ जाएगा,
25 आ जाएगा, यल बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो यानी यच बराबर आपको क्या ले लेना है, 5 लेना है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला जस्ट पढ़े हैं, देखिए यम बराबर क्या होता है यल, यानी निम्न सीमा, यल का मान कितना दिया गया है भैया, ये 25 दे दिया गया है, 25 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए ऊपर हमारा क्या आया था, यफ वन माइनस यफ जीरो, मतलब आप लोग देखिए इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 11 में से अगर 9 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा, 2, तो ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है, पुनः इन दोनों का डिफरेंस लेके हमको जोड़ देना है, तो देखिए पुनः 11 में से अगर 9 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा, 2, और 11 में से अगर 10 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा, 1, यानी 2 प्लस 1 जोड़ देंगे आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और गुणे आपको क्या करना है, देखिए 5 कर देना है। अब जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 और प्लस देखिए 5 दुना के कितना आ जाएगा भैया, ये 10 आ जाएगा बटा में 3, ये इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3.33 लिख सकते हैं, तो यहाँ से जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25.3 28.33 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है और ये अपने आप में बेहतरीन सवाल है। अगर आप लोग देखिए अगर एग्जाम हाल में अगर ये चीज़ आप लोग याद कर रखे रहते हैं तो इस सवाल को आसानी वे में लगाया जा सकता है और कुछ ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे जो 25 और 30 के रेंज से क्या दिए गए थे, बाहर दिए गए, तो इसी प्रकार ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए यह भी शानदार लेवल का सवाल है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से इसका हम लोग सलूशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सीधे आप लोगों को ये सवाल पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है देखिए एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर चौड़ा है, पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा पथ चलता है जो पूरी तरह से पार्क के अंदर रहता है, इस प्रकार पथ के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं, पथ के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जाती है, यदि प्रत्येक मीटर सफ़ेद रेखा पोतने पर 2.5 रुपये का खर्च आता है तो पथ के अंदर के किनारे को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग मैं फिगर बनाता हूँ, ये आयताकार पार्क है, आप लोग ऐसे समझिए इस पार्क को, आप लोगों को क्या समझना है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें 1 मीटर चौड़ा, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये 1 मीटर चौड़ा यहाँ से मैं रास्ता बना रहा हूँ, अब देखिए ये टर्म कहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसकी चौड़ाई आपको कितना दे दिया गया है 1 मीटर, तो इधर भी ये चौड़ा कितना हो जाएगा 1 मीटर का इधर भी होगा और इधर भी आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 मीटर चौड़ा आ जाएगा और इधर भी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। सबसे पहले आयताकार जो है पार्क है इसका लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, तो ये भैया 120 दिया गया है। अब देखिए अब अगर आप लोग इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ निकालेंगे, ये कितना दे दिया गया है आपको 104 दे दिया गया है, 104 दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे रास्ते को छोड़कर पार्क की लंबाई, रास्ते को छोड़कर अगर पार्क की लंबाई निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यल बराबर आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 मीटर चौड़ा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 1 मीटर चौड़ा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे 1 + 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2, इसमें से अगर 120 में से अगर 2 घटा देते हैं तो यहाँ पर लंबाई कितनी आ जाएगी 118 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर आप लोग बी बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर 102 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, यहां पे बोला गया है देखिए पथ के अंदर चारों पथ के अंदर किनारे को पूरी तरह से पोतने के लिए कितने रुपए खर्च आएगा, तो सबसे पहले ऐसे केस में आप लोग आयत का परिमाप निकालिए, देखिए परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, तो 2 cost में आपका यल प्लस बी, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखिए 118 प्लस आप लोग क्या कर सकते हैं 102 कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, देखिए 118 और अगर 102 जोड़ेंगे तो 100 200 यानी 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अब यहां से आप लोग 11 का मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं है, यह भी एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा एलिमिनेट, यानी एक ही ऑप्शन बचा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 1100, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अब अगर आप लोग इस सवाल को डिटेल में लगाना चाहते हैं तो बस इसमें 2.5 से क्या कर देंगे और गुणा कर देंगे, तो आपका 1100 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए आज मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ ना, ये दो क्वेश्चन लिया हूँ, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को दो से तीन चार पाँच करके करवाऊंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जितने भी मेंस में देखिए 2000 समझ लीजिए ऐसे कि 2018 से लेके अगर 2023 तक जितने भी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है तो वो मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अब देखिए 25-30 क्वेश्चन करेंगे तो सोचिए आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। देखिए खाली मैथ से तो सिलेक्शन होगा नहीं ना, खाली मैथ से अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आता है मेंस में तो खाली मैथ पढ़ने से होगा नहीं, इसमें आपको रीजनिंग भी कवर करना है, इंग्लिश भी देखना है और जीएस भी पढ़ना है। तो वही बात है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन के लाऊंगा जो आप लोग यहां से, जिससे कि आपको ज़्यादा यहाँ से आउटपुट मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए, जल्दी तो बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल दिया हूँ, लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।